ये कहानी है आगरा शहर में रहने वाली लड़की मंजरी की, जिसकी अजय नाम के लड़के से एक अजीबोगरीब मुलाकात नोकझोंक का रूप ले लेती है। पर समय के साथ धीरे धीरे अजय मंजरी के साथ एक एहसास की डोर में बंधने लगता है। पर वो इस बात से अनजान है कि जिस लड़की के साथ वो एहसास की डोर में बंध रहा है, उसके बड़े भाई अक्षय के दिल की डोर भी उसी लड़की मंजरी के साथ बंधी हुई है। और फिर एक गलतफहमी अक्षय को पूजा के साथ शादी के बंधन में बांधने की कोशिश करती है, पर अक्षय को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता और वो अपनी और पूजा की शादी को टाल देता है। अक्षय का ये कदम पूजा का दिल तोड़ देता है। अपनी बहन के आंसू मंजरी देख नहीं पाती और रणवीर की एक सलाह उसे अक्षय के पास पहुंचा देती है। मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आई हूँ और तुम आकर वापस जा रहे हो। मुझे लगा तुम बिजी हो तो बाद में मिलूंगा। कमाल की बात करते हो। हाँ तुम, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आई हूँ। हाय, I'm रणबीर। अक्षय, वैसे मंजरी आपके बारे में बात कर रही थी। इनफैक्ट हम दोनों आपके बारे में बातचीत कर रहे थे। आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं ना, तो आई थिंक आपको अपनी दोस्ती को और मीठा बनाना चाहिए। वैसे हम तो मुंबई के रहने वाले हैं, वहां पे दोस्त सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बनते हैं, और ऐसी दोस्ती तो वहां देखने को मिलती ही नहीं, जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना परेशान होता है जैसे कि आपके लिए मंजरी। यू गाइस आर सो लकी। आई विश आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू। बाय बाय। अक्षय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी दोस्ती में एक ऐसा भी स्टेज आएगा जहां हम दोनों खामोश रहेंगे, एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाएंगे। ऐसा क्या हो गया है हमारे बीच में? ये कुंडली लीजिए और ठीक से देखिए हमारे बेटे की कुंडली। लेकिन पिछली बार तो हमने बड़े ही एकाग्र मन से आपके पुत्र की कुंडली देखी थी। मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करना चाहती हूँ जिसके 36 गुण मेरे बेटे से मिलते हो। हाँ हाँ बहन जी, वही तो हम भी कह रहे हैं। वो पूजा जो लड़की है उसके सभी गुण आपके पुत्र से मिलते हैं, और आप भी तो अपने पुत्र की शादी पूजा के ही साथ कराना चाहती थी, फिर अचानक ऐसी कौन सी बाधा आ गई बहन जी? देखिए पंडित जी, आपको जितना कहा गया है ना उतना ही कीजिए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, ये सब जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब आप अच्छे से कुंडली देखिए और मेरे बेटे के लिए अच्छा सा रिश्ता बताइए। अक्षय, मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने या तुम पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ एक दोस्त होने के नाते तुमसे पूछने आई हूँ कि क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो। आखिर तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? देखो, तुम किसी के साथ शेयर करो या ना करो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही होगा। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूं अक्षय, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। तुम किसी भी सिचुएशन में अपने वादे से नहीं मुकरते अक्षय। याद करो वो दिन जब तुमने कैफे में सबके सामने ये अनाउंस किया था कि तुम किसी से प्यार करते हो और उसे प्रपोज करने जा रहे हो। ये वादा करता हूं कि जिसे प्यार करता हूं उसको ठीक 7 दिन बाद अपने पैर का इजहार कर दूंगा। और तुमने पूजा दी को प्रपोज भी किया, जिसे मैं खुद नहीं जानता कब से प्यार करता आ रहा हूं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो। क्या वो सब कुछ झूठ था? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब तुमने सच बोला? तो फिर मम्मी पापा और पूजा दी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या वो झूठी हो सकती हैं? और मधु आंटी जो हमारे घर खुद तुम्हारे और पूजा के रिश्ते के बारे में बात करने आई थी, क्या वो भी झूठ था? अगर वो झूठ नहीं था
तो बिना किसी रीजन दिए उन्होंने ये रिश्ता क्यों तोड़ दिया? अक्षय, मुझे आंटी से शिकायत नहीं है, शिकायत तुमसे है। तुम तो दी से बात कर सकते थे ना, उस बेचारे की क्या गलती थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे बारे में सपने देखती है? क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते? देखो, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, और जहां तक शादी का सवाल है, फिलहाल मैं उस बारे में सोच भी नहीं रहा। अगर तुम्हें शादी करने का मूड नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को, पापा को, पूजा दी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक बार तुम पूजा दी से इस बारे में बात कर लो, प्लीज उन्हें अवॉइड मत करो। तुम्हें पता है 2 दिन से वो कैफे नहीं आई है, कितनी दुखी है वो। अक्षय, प्यार में कभी रिजेक्शन मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हाँ, किताबों में जरूर पढ़ा था। लेकिन कल पहली बार मैंने वो पूजा दी के आंखों में देखा है, और मैं सच कहती हूं, मैं तो वो देख के डर ही गई थी। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। तुम ही बताओ, तुम जिससे प्यार करते हो अगर वो तुमसे दूर हो गई तो तुम्हें कैसा लगेगा? मंजरी, प्यार में किसी को खोने का दर्द क्या होता है वो मुझसे बेहतर कौन जानता है? अगर तुम्हें वाकई पूजा दी से दूर होने का दर्द है तो फिर क्यों तुमने अपने आप को उनसे दूर किया? उधर वो घुट रही है और यहां तुम। देखो अक्षय, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो वहां घुट घुट के टूट जाए और तुम यहां। हेलो। हेलो पूजा, तुम 2 दिनों से कैफे नहीं आई। वो क्या है ना अक्षय, तुम कैफे आ सकती हो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है। वो अक्षय मुझसे मिलना चाहता है। थैंक्स अक्षय। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, और फिर अक्षय के बुलाने पर पूजा उससे मिलने रेस्टोरेंट पहुंचती है, और कश्मकश में फंसा अक्षय पूजा को समझाने की कोशिश करता है। तुम नाराज हो मुझसे? मुझे माफ कर दो, इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट मैंने किया है। अब ये देखो मुझसे क्या हो गया,
तुम्हारी आंखों के आंसू इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। देखो सब ठीक से चल रहा था, तुम रोज कैफे आती थी, मैं तुम्हें डिपेंड भी करने लगा था, पर अचानक थिंग्स कॉम्प्लिकेट हो गई। सालों तक मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर ही नहीं कर पाया, और जब कर दी तब सारी सिचुएशन ही, शादी, कमिटमेंट, मैं इनके बारे में सोच भी नहीं रहा। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, और यही स्पिरिट में तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम भी अपने करियर के बारे में सोचो। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैं समझ रही हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे मैंने रियलाइज किया कि जब से शादी की बात शुरू हुई है, जो मैंने अपने आप को लेकर सपने देखे थे, उसके बारे में कब से मैंने सोचा भी नहीं था। अब देखो तुम ही बताओ, क्या ये बात ठीक है? एक सपना पूरा करने के लिए बाकी हर सपने की कुर्बानी। सॉरी, तुम जिसे अपनी गलती कह रहे हो, दरअसल तुम सही हो और हम सब गलत है। कहां मैंने दिल्ली जाकर अपना करियर परस्यू करने का सोचा था, और कहां ये शादी की बात है। अब शादी पोस्टपोन। अब मैं तुम्हें इंस्पायर करूंगी कि तुम अपने गोल्स अचीव करो, और तुम मुझे इंस्पायर करोगे कि मैं अपने पुराने सपने फिर से देखना शुरू करूं। डन। अक्षय पर अपनी बातों का असर होते देख मंजरी का चेहरा खुशी से खिल उठता है, और वो अक्षय में आए बदलाव का जिम्मेदार रणवीर की सलाह को समझ बैठती है, और वो शुक्रिया अदा करने के लिए रणवीर के पास पहुंच जाती है। लेकिन तुम्हारे वजह से कितने लोगों को खुशी मिली है पता है? अगर तुम नहीं आते ना तो मैं तो गुस्से में मामले को और भी बिगाड़ देती। लेकिन तुमने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। पता है पूजा दी और अक्षय भी कितने खुश है, सब तुम्हारी वजह से। इफ यू फॉल आउट ऑफ लव, इट इज नॉट लव। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो बैठकर उसका सलूशन निकालना चाहिए, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। यही कहा था ना तुमने सुबह, पता है तुम्हारी इन बातों ने मुझे कितना हेल्प किया है, वरना मैं तो कुछ और ही कर बैठती। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? नॉट एट ऑल, इन फैक्ट आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, पर फिलहाल तुम बहुत भीग चुके हो। ये लो, पोंछ लो। तुमसे एक बात कहूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? बिल्कुल नहीं। जब तुम सैड या अपसेट होती हो ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो एक्सप्रेशंस तुम्हारे चेहरे पे सूट ही नहीं करते। यू शुड ऑलवेज स्माइल, यू गॉट एन अमेजिंग स्माइल। तो तुमने मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा? नहीं। पता है जब मैं बहुत खुश या बहुत सैड होती हूँ ना, तब मैं अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाती। पता है आंसू जब आंखों से किसी खुशी के मौके पर झलकते हैं तो मोती से भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, पर अगर
थोड़ी सी भी तकलीफ में आंसू निकलते हैं ना, तो वो इंसान को कमजोर बना देते हैं। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, अपने आंसुओं को बचा के रखना, खुशी के मौकों के लिए, गम में बहाने के लिए नहीं। जब तुम जैसा दोस्त साथ हो तो आई प्रॉमिस ये आंसू सिर्फ खुशी के मौके पे आएंगे, गम में नहीं। डोंट वरी, ये आंसू खुशी का है, गम का नहीं। तुम जैसा दोस्त पाने की खुशी में निकला है। मंजरी मैं कर देता हूँ। It's okay, मैं कर लूँगी। मंजरी तुमसे नहीं होगा। You don't trust me. तो फिर अपनी आंखें बंद करो। ये जो इतनी जोरों से धड़क रहा है, ये तुम्हारा दिल है या मेरा? पता नहीं। हम लोग तो सिर्फ दोस्त हैं ना, तो दोस्ती में इतनी जोरों से दिल नहीं धड़कते। मुझे भी चलना चाहिए। चले जाना, बारिश को तो रुकने दो। वो एक्चुअली मंजरी, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना कॉन्शियस होंगे तो इस दोस्ती को कैसे निभाएंगे? वैसे वो तुम्हारा दिल नहीं, मेरा दिल था। अक्षय की हमदर्दी एक बार फिर पूजा में गलतफहमी पैदा कर देती है और वो अपने दिल के जज्बात अपनी बहन मंजरी से बांटे बिना नहीं रह पाती। पहले मैं भी प्यार के बारे में बड़े बड़े दावे करती थी कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, लेकिन सच कहूं तो आज जाकर मुझे पता चला है कि प्यार कैसा होता है। तो बताओ कैसा होता है प्यार? प्यार तो वो होता है जिसमें दिल ना जागता है ना सोता है। प्यार हमें सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है। प्यार हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है। प्यार तो बस प्यार होता है। अच्छा, तो तुम्हारा हाल भी मेरी तरह है। हाँ दी, अब मैं भी उस नाव में बैठ चुकी हूँ जिसमें आप। लेकिन तुम जरा इस प्यार की नाव में संभल के रहना, क्योंकि तुम्हारे प्यार की नाव हिचकोले खाती है। हाँ दी, अब मैं क्या करूँ,
मैं उस नाव में चढ़ चुकी। खूबसूरत आंखों को निशाना ढूंढने की जरूरत नहीं होती। इश्क़ है।